Hello and good evening all of you. Welcome to the another lecture of the polity series. We have done the fundamental rights till article 30. Article 31 was deleted via amendment because it was right to property. Now you can find the right to property under article 300A in the constitution itself. And today we shall be discussing the heart and soul of the constitution, that is article 32, the right to constitutional remedies. And we shall also see the implications of the fundamental rights or the implications of martial law and national emergency on fundamental rights and the application of fundamental rights on the personnel of armed forces. जो हमारे armed forces, paramilitary forces के जो लोग हैं उनके ऊपर fundamental rights की जो उनको किस प्रकार की fundamental rights available नहीं है वो भी हम इस particular lecture में देखेंगे. So let's begin for the day. Now article 32 को अगर मैं डिफाइन करूं और मैं इसको कम तरीके से डिफाइन कर पाऊंगा, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में क्या लिखा. इफ आई वाज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी, आई कुड नॉट रेफर टू एनी अदर आर्टिकल एक्सेप्ट दिस वन. इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाई द आर्टिकल 32 इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है. तो आज तक जो भी आपने राइट्स पढ़ी वो एक फंडामेंटल राइट्स थी, फंडामेंटल राइट है. उनको एनफोर्स कराने के लिए आप आर्टिकल 32 के अंदर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है. तो उन राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए या उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके को एक अलग से राइट दी गई है आर्टिकल 32 के अंदर, जो कि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की को बोला गया डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उसको बोला गया डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को वो डिफेंड करता है, ठीक है. और उसकी ड्यूटी है कि जब भी किसी भी सिटीजन का या नॉन सिटीजन का जो जो राइट्स नॉन सिटीजन को अवेलेबल है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिफेंड इट, टू गिव एप्रोप्रिएट मेजर. अगर मैं बात करूं कि अगर रिट होती है में डालेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है जो कोर्ट होगा एप्रोप्रिएट कोर्ट होगा जहां आपने वो पिटिशन डाली है, एंड जहां आपने पिटिशन डाली है दैट शुड बी द एप्रोप्रिएट कोर्ट. कई बार क्या होता है कि लोग उस कोर्ट के पास उस पर्टिकुलर पिटिशन को एंटरटेन करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता. बहुत सारे पैसे आपकी कोई फंडामेंटल राइट में अपने आप में एक प्रोविजन कर सके तो उस लॉ को जो है सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा. हम आगे चल के देखेंगे. तो रिट्स आप समझ गए, पांच रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चिजोरी एंड को वारंटो. इस टाइप की नेचर आगे हम इनको समझेंगे कि ये जो पांच टाइप की जो रिट्स हैं ये समझना जरूरी है कि जो रिट ड्यूरेशन और वो डिफरेंट, ठीक है, उससे समझ ये रस. अगर मैं ज्यादा रिट्स कौन इश्यू कर सकता है तो वो हाईकोर्ट कर सकता है. आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए इशू कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट है
the because it can roll out or give the instructions or issue writs regarding more number of rights that includes the constitutional rights and legal rights. ठीक है, अब अगर मैं टेरिटोरियल मतलब एरिया कितने एरिया के लिए तो प्लस जो आर्टिकल आई थिंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वहां पे इसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. ठीक है, तो वो जो है फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, फॉर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा और एंड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इट कैन इशू रिट्स. ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आपकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है. और तीसरा और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप वायलेशन, आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो कहाँ जाएंगे, आप आर्टिकल 32 में जाएंगे. आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है. दस इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एंटरटेन योर राइट. सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हम आपकी राइट को डिफेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ड्यूटी है और वो आपकी अपने आप में एक राइट है अंडर आर्टिकल 32. बट अगर आप आर्टिकल 226 अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कंपल्शन है, बट कंपल्सरी है, बट हाई कोर्ट क्या है उसके बाद डिस्क्रिशन है कि वो आप पिटीशन को एंटरटेन करे ना करे या आपकी फंडामेंटल राइट को डिफेंड करे ना करे. ठीक है, फंडामेंटल राइट को डिफेंड करे ना करे. तो तीन डिफरेंस क्या हो गए भाई, हाईकोर्ट जो है ज्यादा चीजों के लिए रिट्स इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है. हाई कोर्ट जो है उसका जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो छोटा है सुप्रीम कोर्ट से. और तीसरी बात, हाई कोर्ट के पास जो पावर्स हैं वो डिस्क्रिशनरी है. ठीक है, उसका डिस्क्रिशन है कि वो जो है आपकी आपकी राइट को डिफेंड करे या ना करे. सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंपल्शन है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंपल्शन है. अब देख लेते हैं टाइप ऑफ रिट्स, टाइप ऑफ रिट्स. तो टाइप ऑफ रिट्स में सबसे पहले है हमारे पास हीबियस कॉर्पस. भाई हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी. भाई टू हैव द बॉडी मतलब कि मेरे को वो आदमी दिखाओ कहाँ है. मान लिया पुलिस वाले कल को आपके किसी भाई को पकड़ के ले गए, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक हीबियस कॉर्पस की पिटीशन लगा सकते हैं कि मेरे भाई को प्रस्तुत किया जाए और इन्होंने जो है इलीगल तरीके से मेरे भाई को उठा लिया है. या हो सकता है वो पुलिस ना हो, कुछ और चार लोग हों जिन्होंने उसको उठा लिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है पुलिस को या स्टेट कोर्ट अगर इस पर्टिकुलर पर्सन को कि हमारे सामने प्रस्तुत करो, हमारे सामने प्रस्तुत करो. ठीक है, और जल्दी से जल्दी वो करो. ये जो रिट्स हैं इनको प्रेरोगेटिव रिट्स भी बोलते हैं और ये इंग्लिश लॉ से ली गई हैं. ये बेसिकली जो रिट्स हैं ये इंग्लैंड से ली गई है, इंग्लिश लॉ से ली गई है. ठीक है, दे हैव टेकन फ्रॉम इंग्लिश लॉ, वेयर देयर दे आर कॉल्ड द प्रेरोगेटिव रिट्स, दे आर नोन एज द प्रेरोगेटिव रिट्स. ठीक है, अच्छा इसको जो हीबियस कॉर्पस है इसको बल्क वॉर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी भी बोला गया, क्योंकि ये जो है आपको इलीगल डिटेंशन से बचाती है, इलीगल डिटेंशन से बचाती है. आपको इलीगली डिटेन नहीं किया जा सकता, मतलब अगर आपको किसी ने पकड़ा चार एक साल तक किसी बंद कमरे में रख दिया, या आपने पुलिस ने आपको पकड़ा 6-7-8-10 महीने पुलिस ने जेल में रख लिया, ऐसा नहीं हो सकता. दस इट इज ऑल्सो नोन एज द बल्क वॉर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. बट देन इसके भी अपने आप में एक्सेप्शन हैं. इसके एक्सेप्शन क्या है भाई, हीबियस कॉर्पस की रिट जो है तब इशू नहीं की जाएगी अगर जो डिटेंशन है वो लीगल है, जो डिटेंशन है वो लीगल है. ठीक है, डिटेंशन जो है वो लीगल है, या वो किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किया गया है. ठीक है भाई, आपने कोर्ट की अवमानना करी, कोर्ट ने आपको अंदर भेज दिया, ठीक है तब भी इशू नहीं कर सकता. अगर किसी कोर्ट के पास उस केस को एंटरटेन करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है, मान लिया कोई वारदात तमिलनाडु में हुई और आपने केरला में उस रेट को लगा दिया, तो केरला हाई कोर्ट कह सकता है कि नहीं हम आप इसको एंटरटेन
cases में आपकी writ of habeas corpus issue नहीं की जाएगी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड इज mandamus। mandamus का मतलब होता है वी कमांड, हम आपको आदेश देते हैं, वी कमांड हम आपको आदेश देते हैं कि आप इसको न्याय, ये प्राइवेट करिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते। और क्या है, जहां पे कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, नहीं किया गया कि आप ठीक है, बस कोई लॉ नहीं है ना, उसके रिलेटेड कोई लॉ नहीं होगा, तब तक जो है इशू नहीं करी जा सकती, ठीक है। अब चलते हैं अगली रेट की ओर, अगली रेट है प्रोहिबिशन, अगली रेट है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब होता है टू प्रोहिबिट, प्रोहिबिशन का मतलब है टू प्रोहिबिट। सॉरी, टू प्रोहिबिट उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ गई है सर्चुचरी, सर्चुचरी या सर्चुचरी जो भी बोले, ठीक है। टू सर्टिफाई, टू सर्टिफाई में क्या, देखो अभी तक क्या हो रहा था, प्रोहिबिशन में कोर्ट ने क्या बोला, आप ये काम मत करो, आप ये काम मत करो, सर्चुचरी बट क्रिएटिव भी है, क्यों चीट किया है वो तो ठीक है, अब आप ये केस हमें दे दो, हम इस पर डिसाइड करेंगे, हम इसको डिसाइड करेंगे, तो ये प्रोहिबिशन से एक स्टेप आगे है, ठीक है। सर्टिफाई करेंगे कि हम जो है, आपने जो है अपना ज्यूरिसडिक्शन जो है
एक्सीड किया है, ठीक है, तो हम इसको जो है ठीक करेंगे, हम जो है इसको ठीक करेंगे। अब 1991 तक ना ये रेट भी जुडिशियल एंड क्वाडी जुडिशियल के अगेंस्ट ही इश्यू की जा सकती थी, बट 1990 के बाद वन के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द रेट ऑफ सर्जरी कैन ऑल्सो बी गिवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी सर्जरी की रेट दी जा सकती है। सर्जरी का मतलब होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को से एक हाईकोर्ट एक केस पर डिसाइड करने वाला था, उससे वो केस ही ले लिया ऑल टुगेदर, उससे वो केस ही ले लिया, ठीक है। अब प्रोहिबिशन की तरह सर्जरी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, लेजिस्लेटिव बॉडीज मतलब जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, प्रोहिबिशन भी नहीं है। प्रोहिबिशन तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट भी नहीं अवेलेबल थी, बट सर्जरी जो है वो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए अगेंस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट राइट की ओर, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट राइट की ओर। नेक्स्ट राइट है को वारंटो, भाई को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, कि आप किस अथॉरिटी से इस पोजीशन को होल्ड करते हैं या आप यहां बैठे हैं किस अथॉरिटी से। अच्छा, अभी तक जितनी भी रिट थी ना, पर्सन है राइट वायलेट हो रही है या जिसको प्रॉब्लम है वही दाखिल कर सकता था। एक कॉन्सेप्ट होता है लोकल स्टैंडाई का, तो उसमें लोकल स्टैंडाई कौन था, सिर्फ जो अग्रीव पर्सन था। ये एक ऐसी रिट है अग्रीव पर्सन के अलावा भी, अग्रीव पर्सन के अलावा भी कोई एनी पर्सन, अग्रीव पर्सन तो कर ही सकता है और कोई और पर्सन भी इसको इशू करवा सकता है, ठीक है, कोई और पर्सन भी इसको इशू करवा सकता है कि आप किस ऑफिस को कैसे इसको होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ऑफिस है ना, दैट शुड बी ऑफ पब्लिक नेचर, दैट शुड बी ऑफ सब्सटैंशियल पब्लिक नेचर। ऐसा नहीं कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के सीईओ की क्वेश्चन करते हैं को वारंटो में, नहीं, दैट शुड बी ऑफ पब्लिक नेचर, सरकारी होना चाहिए, ठीक है। ये थी बात वो वारंटो की। तो ये जो पांच राइट्स हैं ये आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए इशू की जाती है, ये आपको आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए इशू की जाती है। अब एक दो तीन छोटे टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। एक आर्टिकल 33 है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्म फोर्सेस को वैसे ही अवेलेबल नहीं है जो कि जैसे कि आम सिटीजन को अवेलेबल है, जैसे कि उन्हें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन नहीं है, जैसे उन्हें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, उन्हें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, उन्हें बहुत सारी राइट नहीं है। तो इसी के लिए जो है कोर्ट, और आप संविधान ये भी बोलता है कि जब आप आर्म फोर्सेस से वो फंडामेंटल राइट लेंगे तो उसके लिए आप एक एक्ट बनाएंगे, वो एक्ट सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। तो आर्टिकल 33 के अंदर जो लॉ बनाने का प्रेरोगेटिव है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 33 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ पास नहीं कर सकता। जो आर्टिकल 33 के अंदर जो लॉ बनेंगे, जैसे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट बने हुए ना, ये सब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये सब पार्लियामेंट, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अपने लॉज हो सकते हैं, बट आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, ये जो आर्म फोर्सेज रिलेटेड एक्ट हैं जिसमें कि उनसे फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स उन पे उनको नहीं दी जाएंगी, और उसके लिए एक लॉ बनाएगी और वो लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आर्म फोर्सेस को सारी राइट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि आर्टिकल 33 के अंदर जो कोर्ट मार्शल होता है, भाई आर्मी और नेवी या आर्म फोर्स के अंदर कोर्ट मार्शल होता है, उसको रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, उससे एक्सक्यूट कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है, कि जब किसी का कोर्ट मार्शल हुआ तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना जा पाए कि मेरा कोर्ट मार्शल गलत था। तो ये अगर ऐसा कोई लॉ बनाएगी तो वो भी कौन बनाएगा, वो भी पार्लियामेंट ही बनाएगी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, एक छोटा टॉपिक है मार्शल लॉ। भाई मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री लॉ, जो मिलिट्री रूल बोलते हैं। आर्टिकल 34 में दिया गया है, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन ली जाती हैं या सरकार के पास पावर है इसमें कि जो है आपसे कुछ फंडामेंटल राइट्स ले लिए हैं। तो नेशनल इमरजेंसी एक चीज होती है और मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34 अलग अलग है। इनके अंदर फंडामेंटल राइट जो आपसे छीनी जाती हैं वो भी अलग अलग हैं। जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तब वहां पे आपको एक साथ क्लब करके समझा देंगे। आज आप हल्का सा ये समझिए कि मार्शल लॉ के टाइम पे आपसे फंडामेंटल राइट्स ले ली जाती हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी पर्सन ने या किसी पब्लिक अथॉरिटी ने कोई एक्शन ले लिया आपके अगेंस्ट तो या आपकी कोई राइट वायलेट कर ली तो सरकार के पास पावर है। किसके पास? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसको इंडेमनिफाई कर दे कि इस आप कुछ भी करो। मान लिया मैं एक ऑफिसर हूं, मार्शल लॉ लगा हुआ है, फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति की मैंने वायलेट कर ली तो आप जो है सरकार के पास पार्लियामेंट के पास पावर है कि सरकार जो है मेरे को इंडेमनिफाई कर दे, मतलब मेरे को बोल दे कि इस पे जो है कुछ लागू ही नहीं होगा, आप इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते कि इसने आपकी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, अब कुछ बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग आपकी फंडामेंटल राइट जो है वायलेट भी की जाती हैं। ठीक है, वायलेट भी की जाती हैं। ठीक है, अब एक आर्टिकल जो लास्ट बचा है वह है आर्टिकल नंबर 35। भाई आर्टिकल नंबर 35 वो आर्टिकल है, मैंने आपको बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, अब इसको एनफोर्स कराने के लिए कुछ लॉज बनेंगे, कुछ लॉज बनेंगे और जो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट हैं कुछ राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर, ठीक है, राइट अगेंस्ट बेकार है आर्टिकल 23 के अंदर, अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो सरकार इसको इसमें इसके वायलेशन के लिए आपको पनिशमेंट भी दे सकती है। ठीक है, और लॉज कैसे बनेंगे, जैसे अगर आर्टिकल 16 के अंदर कहीं आपको रेजिडेंस को, वैसे तो देखो इक्वालिटी है लेकिन रेजिडेंस को कहीं वो बनाना है कि भैया इस पर्टिकुलर स्टेट के लोग ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 हो गया है ना, आर्टिकल 32 हो गया कि रिट ज्यूरिसडिक्शन देना है किसी और कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी को रिट ज्यूरिसडिक्शन देना है। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको दो आर्टिकल पढ़ाए इससे पहले, मैंने आपको इससे पहले दो आर्टिकल पढ़ाए, कौन से? आर्टिकल 33 कि किस प्रकार से आर्म फोर्सेस पे एप्लीकेशन होगी फंडामेंटल राइट की, कौन कौन से उनको फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे, और आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के दौरान फंडामेंटल राइट्स का कौन क्या होगा, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स रहेंगी, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगी, और कोई भी व्यक्ति जिसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति की वायलेट की है उसे इंडेमनिफाई किया जा सकता है, इंडेमनिफाई किया जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 17 और 23 के अंदर जो है अनटचेबिलिटी को कोई प्रैक्टिस करता है उसके लिए सजा क्या होगी, कोई बेकार प्रैक्टिस करता है, फोर्स लेबर प्रैक्टिस करता है उसके लिए सजा क्या होगी, इन सब के लिए अगर लॉ बनाने की पावर किसी के पास है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। द पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग दैट, द स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट हैव। स्टेट के पास आर्टिकल 16, 32, 33, 34 और पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 17 एंड 23 के अंदर जो पनिशमेंट दी जाएगी, स्टेट के पास पावर नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकते, इससे रिलेटेड कोई भी लॉ बनाएगा तो वो पार्लियामेंट बनाएगा, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी के साथ हमारी फंडामेंटल राइट्स भी खत्म होती है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे DPSP, दैट इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और बहुत ज़्यादा समझाने के लिए उसमें रहता नहीं है तो सीधा हम क्या करेंगे कि लिख देंगे और उसको जो डिवाइड किया गया है सोशल, गांधीयन, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, उस हिसाब से डिवाइड करके आपको बता देंगे और पढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज आर्टिकल 51A भी उसी में आपको पढ़ाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, एंड आई शैल सी यू सून, बाय बाय।